बनाया गया है। वहीं ये दरबार हॉल लाखों की लागत से तैयार किया गया है। इस दरबार हॉल का निर्माण 22,400 स्क्वायर फीट में किया गया है, जिसे तैयार होने में लगभग 3 साल का समय लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम नीतीश ने कहा कि गुरु नानक जी के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म संस्थापक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु के गुण मिलते हैं। गुरु नानक देव जी के समग्र और समरस समाज बनाने के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस अवसर पर सिख समुदाय की एक श्रद्धालु महिला ने सीएम नीतीश को बोला कि अब आप प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो जाइए। बराबर हम लोग आते रहे हैं और आप जानते हैं कि 50वां सब जगह देख करके होना चाहिए। ये तो इनकी सबसे बड़ी कृपा है। ये जान लीजिए कितना सुंदर हो गया है। आप जरा पूरा देख लीजिए चारों तरफ। ये सब इस तरह से होना नहीं चाह रहे थे। बढ़िया बन करके तैयार हो गया। आप जरा सोच लीजिए तो इस जगह पर तो इनका तो अरे भाई इनका तो हमारे बनते हैं। और यही पर आप जान लीजिए जब कर रहे थे तो एक इनसे हमने आग्रह कर दिया था और के बारे में कहा था कि शीतल कुंड सर बोल रहे हैं आराम से आज जिनका बना रहे हैं वो वही चले गए वहाँ। हमने कहा कि चलिए ना वहाँ ठीक करिए। अब फिर गुरु जी का तो कैसा सुंदर बन गया वो भी तो इनकी कृपा है। और हम तो अनेक जगह पर गए हैं, अनेक जगहों पर देश के विभिन्न हिस्सों में आपने सब जगह करवाया है तो हम तो इनका अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा। और जानते हैं जब 2017 में होने वाला था उसके कुछ साल पहले ही ये हमको मिल करके कहे थे कि ठीक से जरा कराओ। हम आकर के यहाँ देखने लगे तो इनके साथ हमारा इतना पहले का संबंध है और अब तो बन गया। 2 साल तो बीच में तक कोरोना के चक्कर में नहीं आ पा रहे थे तो आज तो अगला बार भी पहुंचेंगे ही। आगे का प्रोजेक्ट नहीं आगे के तो बहुत अच्छा है। ये लोग करेंगे लेकिन जो ये लग रहा था उस समय कि जरा खूब अच्छा बन जाए अब खूब अच्छा बना। अब बगल वाले ने थोड़ा सा जो भी हमको दिखा है आज हमने कह दिया है। पीएम को भी कह दिया है कि ताकि कहीं से भी जरा भी कोई असुविधा नहीं, सब कुछ बहुत सुंदर लगे, सब कुछ देखने में अच्छा लगे। ये कर तो ये बहुत अच्छा हो गया है। और आप सब लोग भी आए हुए बड़ा अच्छा है। जरा पूरा का पूरा जानिए कितना महत्वपूर्ण जगह है और यही स्थल है जहाँ पर जन्म हुआ उनका। तो कितना ये जगह महत्वपूर्ण है तो ये सब महत्वपूर्ण जगह को देखते हुए और सब जगह जो हम लोगों ने बनवा दिया पहले से 10वें तक सब लोगों के बारे में पूरी जानकारी के साथ सब कुछ किया गया कि अब जो लोग भी आएंगे और नई पीढ़ी के लोग सब लोग जानेंगे एक एक चीज के बारे में। हम लोग तो सब कुछ पे लगे हुए हैं और काफी अच्छा है। अब जो आएंगे तो उन लोगों को आने में आप जानते ही है कि रखना पड़ता था। अब उसके लिए भी हम लोग जगह जगह करवा रहे हैं। अब एक जो बनवा रहे हैं उसमें तो आप समझ लिए 2000 आदमी एक ही साथ रहेंगे। एक महीना तक इन लोगों के हवाले कर देंगे और सब लोगों को वहाँ रखने की सुविधा अन्य और स्थलों पर ताकि जितने लोग आएंगे उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो जो इन्होंने जो भी किया है इसके लिए तो मैं तो इनका अभिनंदन करता हूँ और इन्हीं का सब कुछ किया हुआ बाबा महेंद्र सिंह जी का। और आपको हम बता देते हैं राजगीर में भी हमने किया था और यहाँ भी इनका हम चलिए। आपको बता दें कि पटना साहिब गुरुद्वारा में सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें प्रकाश उत्सव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।